कि एक व्यक्ति था और बड़ा संपन्न व्यक्ति था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो उसका जो लड़का था उसको कुछ जानकारी नहीं थी, व्यापारी था वो, बहुत बड़ा व्यापार की भी जानकारी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और उसने सारी किताबें खोज डाली, उसको कहीं धन नहीं मिला। उसके कर्जदार जो थे, पिताजी के थे, वो सब कर्ज मांगने आ गए, उसको कर्ज दे दिया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब वो बड़ा परेशान, क्या करे, समझ में नहीं आया। तो किताब में उसने, एक किताब में कहीं पिताजी के द्वारा लिखा हुआ देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि धन, अगर हमने धन रखा हुआ है, मंदिर के शिखर में धन रखा हुआ है, मंदिर का जो एक मंदिर उन्होंने बनाया था उस शिखर में धन रखा हुआ है, इसको धन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हालांकि मंदिर के शिखर को तोड़ना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी ये बेचारा बहुत परेशान था, इसको समझ में कुछ आया नहीं। किताब में लिखा हुआ देख करके और मंदिर का शिखर तोड़ने पहुंच गया, शिखर तोड़ा तो वहां कुछ नहीं मिला। अब ये बड़ा निराश हो गया, अब दुखी होकर के एक तो पाप कर बैठा और तो दूसरा फल भी कुछ नहीं मिला। ये दोनों बातों से ग्रसित होकर के वो, उसने पता लगाया कि पिताजी के गुरुजी कौन थे। तो गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुदेव बड़े बड़ी समस्या हो गई, हमने ऐसा ऐसा पाप भी कर दिया, धन भी नहीं मिला, मैं बड़ा निराश हूं, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम हमको लेके चलो पहले। तो घर लेकर के आया गुरु जी को, बोले पुस्तक कहाँ है वो दिखाओ। तो पुस्तक देखा, तो उसमें उन्होंने लिखा था, पिताजी ने पूरी बात लिखी थी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को दोपहर में 12 बजे हमने मंदिर के शिखर में और धन रखा है। तो गुरु जी ने कहा देखो बेटा, ये जो वैशाख शुक्ल तृतीया है उसके आने से पूर्व पहले जो तुमने शिखर तोड़वाया, पहले शिखर बनवाओ। बोले गुरु जी पैसा नहीं। बोले ये तो तुमको करना पड़ेगा अगर धन की प्राप्ति करनी है, और जब वो शिखर बनवा दोगे तब हम तुमको बताएंगे कि वो धन कहाँ है। उसने कैसे भी पैसे का जुगाड़ करके और शिखर बनवाया। वैशाख शुक्ल तृतीया आई और जब ठीक दोपहर में 12 बजे, और तब गुरु जी ने कहा कि देखो अब इस शिखर की छाया कहाँ पड़ रही है, और छाया जब देखी तो बोले इसको खोल दो, जमीन को खोदा तो धन मिल गया। तो क्या बात पुस्तक में वही लिखी थी।